नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब देश में बहुत ही जल्द वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने वाला है। दरअसल दोस्तों, इसकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार ने, भले वो अभी पूर्ण बहुमत नहीं है उनके पास, उनको सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा है, लेकिन ये फैसला उन्होंने ले लिया है। उनकी कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। उनकी कैबिनेट में सोचिए सभी लोग हैं। उसमें अगर बात करें चिराग पासवान की, तो वो हैं, उनकी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है। अगर वहीं TDP की बात करें, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू जी की, उनकी पार्टी भी है। और कैबिनेट में ये फैसला ले लिया गया है। और ये आप समझ लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन अब देश में बहुत ही जल्द लागू होने वाला है। ये अब संसद में लेकर आया जाएगा बिल, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास कराया जाएगा। और जब ये पास हो जाएगा, फिर ये राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा, और जब राष्ट्रपति जी इस पर साइन कर देंगे तब वो एक्ट बन जाएगा, और फिर उसके बाद से देश में ये लागू हो जाएगा। और जब ये लागू हो जाएगा तो ये मान लीजिए ये कई तरीके से देश के लिए भले की बात है। दरअसल दोस्तों, अभी क्या होता है, अभी जब चुनाव होते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे टाइम कहीं ना कहीं चुनाव चला ही करते हैं। जैसे अभी दो राज्यों पर चुनाव चल रहे हैं, एक हरियाणा और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। अभी जब यहाँ से ख़त्म होंगे, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, वहाँ चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद अगले चुनाव दिल्ली में आ जाएंगे। इसी तरह चुनाव लगातार चलते रहते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाएगा तो इसमें एक ही समय पे लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन साथ में होंगे। इससे बहुत खर्चा बच जाएगा। अभी क्या होता है, जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, सारा खर्चा लगता है। लोकसभा का चुनाव का जो होता है उसका खर्चा अलग होता है, विधानसभा बाद में होती है तो विधानसभा में भी वैसे ही खर्चा किया जाता है। जब एक साथ होगा दोनों का चुनाव, तो ये समझ लीजिए दो VVPAT रखने पड़ेंगे, दो EVM रखनी पड़ेगी। एक में विधानसभा के लिए वोटिंग हो जाएगी, एक में लोकसभा के लिए हो जाएगी, और खर्चा उतना ही, सोचिए पुलिस बल उतनी ही लगेगी। यह कि ये बड़े स्केल पे होगी, जब सारे राज्यों में होगा तो हमें ज़्यादा पुलिस सुरक्षा बलों की ज़रूरत होगी, ये है। लेकिन खर्चा इससे हमारा बचेगा, इससे हमारा समय भी बचेगा। अभी क्या होता है कि जब किसी भी जगह पर अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है, तो फिर विकास के कार्य नहीं हो सकते उस वक्त उस राज्य में, फिर विकास के कार्य रुक जाते हैं। उससे जो दूसरी और कनेक्टेड वो होते हैं प्रदेश, वहाँ पर भी काफ़ी गंभीर हो जाता है मामला, वहाँ पर भी वो विकास, वहाँ पर उसका इम्पैक्ट करता है। तो इसी तरह जब कहीं चुनाव हो रहा होता है तो उसका नुकसान दूसरे स्टेट को भी कहीं ना कहीं मिलता है। अब दोस्तों, जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो इस तरह की चीज़ों से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही साथ पैसे भी बचेंगे देश के लिए। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे सरकार की तो मंशा ठीक दिखती है कि इससे पैसे वो बचा लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो अभी होने जा रहा है, जो अभी ये होगा, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे 1952 में लोकसभा के, उस वक्त सभी देश में पूरी जगह इलेक्शन हुए थे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और ये 1967 तक चला था। उसके बाद से फिर जब विधानसभाएं पूरी नहीं चलने लगी, बीच में सरकारें डूबने लगीं, टूटने लगीं, फिर ये चीज़ बदल गई और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। तो दोस्तों, पहले वो चीज़ अच्छी थी और आज वो कैसे ख़राब हो गई? ख़राब तो नहीं है, अगर उससे देश का पैसा बच रहा है, देश का समय बच रहा है, तो ज़रूर वो काम करना चाहिए जिससे देश का हित हो, जिसके जिसमें देश को फ़ायदा मिल रहा हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो ठीक है, पहले हो चुका है, इसको हम मतलब इसके रिजल्ट हम देख ही चुके हैं, ठीक ठाक होता है। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए, जब पहली बार ये चुनाव हुआ था तो 11 करोड़ में हो गया था, अब यही चुनाव हजारों करोड़ लाखों करोड़ में पहुंच जाते हैं। तो ये कॉस्ट बढ़ते जा रही है अलग अलग चुनाव के। अगर यही चीज़ अगर भारत के जनता के लिए ये पैसे अगर बच जाएं तो बहुत ही अच्छा है, वो देश के विकास में लगेगा।
वो पैसा। साथी दोस्तों आपको बता दें, ये तो मोदी सरकार का स्टैंड है कि वो इसको लेकर आ रहे हैं देश में, वहीं विपक्ष ने इसमें आपत्तियां जताई हैं। प्रमुख विपक्षी दल जो है कांग्रेस, इनका कहना है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, तानाशाही है और इससे सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं, तो क्या उनको नहीं मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वो इसी सिस्टम से जीत कर आए थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे। देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या कांग्रेस ही नहीं देखा जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू जी मतलब कांग्रेसी भी थे और काफ़ी विद्वान व्यक्ति भी थे, तो उनको नहीं समझ में आ रही थी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज उन उस चीज़ में कमियां निकाल रहे हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन ठीक नहीं है। वहीं अगर बात करें दूसरे विपक्षी दलों की, तो उत्तर प्रदेश का जो मेन विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, इनका कहना है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन है, इससे मतलब मोदी सरकार पूरी तरीके से कैप्चर कर लेगी पूरे संसाधनों को और कमाई का साधन बना लेंगे और दूसरों को आगे नहीं निकलने देंगे, ये एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इलेक्शन का। अब मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है कि ये इतने बड़े नेता हैं, अगर मोदी जी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, उनकी पार्टी को अधिकार होगा, तो क्या समाजवादी पार्टी के पास अधिकार नहीं होगा? अरे जो चीज़ वो अपना इलेक्शन बोल के लड़ रहे हो, आप उसका काउंटर करके इलेक्शन को लड़ो, कैसे कोई आपको दबा देगा? अगर जनता है, जनता आपको भी जिता सकती है, भारतीय जनता पार्टी को भी जिता सकती है। लोकसभा में देखने को मिला, जनता ने समाजवादी पार्टी को अच्छे खासे वोट दिए, अच्छे से सीट निकली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बचकाना है, ये जो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, बस उनको विरोध करना, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में कोई सकारात्मकता वाली चीज़ें नहीं है कि वो किसी तर्क के साथ विरोध क्यों करें, कि प्रॉपर तर्क हो ताकि जनता उनके सपोर्ट में आए। जब किसी चीज़ से जनता को भला हो रहा होगा तो बनी बात है जनता उसका साथ देगी। तो वो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आती है तो उससे देश का भला है। अब सब लोग कह रहे हैं कि इससे प्रधानी के भी साथ में होंगे, लोकल चुनाव भी होंगे, वो कैसे मैनेज होंगे? तो ये गलत चीज़ फैलाई जा रही है, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, बाकी जो लोकल लेवल के चुनाव हैं वो इस चुनाव के ख़त्म होने के 100 दिन बाद होंगे, वो सब एक साथ में नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भ्रम वाली फैलाई जा रही, इसको फैलाने से बचना चाहिए, तथ्यों को सामने रखना चाहिए। कोई भी नेता वो बड़ा तब बनता है जब वो अपने तथ्यों के साथ बात करता है, अगर प्रॉपर लॉजिक नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि ज़्यादा फिर क्रेडिबिलिटी लोगों की बचती नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।